बीसीए में कौन सा लैपटॉप लेना चाहिए, लैपटॉप की वो क्या स्पेसिफिकेशंस होनी चाहिए ताकि बीसीए के पूरे 6 सेमेस्टर में आपका जो लैपटॉप है वो आउटडेटेड ना हो और आप प्रैक्टिकल स्किल्स को अच्छे से सीख पाएं। तो पिछले दिनों आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस आए कि सर इस टॉपिक पे वीडियो लेके आए, तो इस बार बीसीए फंडास बाय सनस्टोन पे हम लेके आ गए हैं इसी टॉपिक पे वीडियो, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस बजट के अंदर किस रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको बीसीए जैसे कोर्स के लिए लैपटॉप लेना चाहिए, यानी कि विच लैपटॉप यू शुड बाय फॉर बीसीए कोर्स इन 2023। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रोहित, मैं हूं एक कंप्यूटर साइंस इंजीनियर, मुझे है 10 से ज्यादा सालों का एक्सपीरियंस टॉप एमएनसीज में काम करने का, तो आप सभी मुझे अपना एक सुपर सीनियर समझ सकते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो मैंने किसी तरीके स्टार्ट करते हैं आज के इस बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो को। तो स्टूडेंट्स, इससे पहले कि मैं आपको लैपटॉप की रिक्वायरमेंट्स बताऊं, उससे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि बीसीए जैसे कोर्स में जब आप एडमिशन लेते हैं तो आपका लैपटॉप कहाँ कहाँ काम आने वाला है। तो सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट चीज़ जहाँ पे आपको लैपटॉप काम में आएगा वो है असाइनमेंट्स एंड प्रोजेक्ट्स। तो यहाँ पे बीसीए के फर्स्ट सेमेस्टर से ही बहुत सारी चीज़ें आपको ऑनलाइन करनी होगी, जैसे कि आपके पास असाइनमेंट्स होंगे, क्विजेज होंगे, पीपीटीज होंगे, इसके अलावा आपकी अटेंडेंस होगी, ऑनलाइन कॉलेज पोर्टल सबमिशंस होंगे, यूट्यूब में अगर आपको कुछ पढ़ना है वो चीज़ें होंगी। तो ये सभी चीज़ें जब आपको ऑनलाइन करनी होगी तो यहाँ पे लैपटॉप आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। सेकंड बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है प्रोग्रामिंग, यानी कि बीसीए में आप एडमिशन ले रहे हो, कंप्यूटर एप्लीकेशन जैसे कोर्स के बारे में आप सीखोगे तो प्रोग्रामिंग और कोडिंग एक इंपॉर्टेंट हिस्सा रहने वाला है। तो आप प्रोग्रामिंग सीखोगे जैसे कि सी सीखोगे, C++, Python, HTML, CSS, तो इन लैंग्वेजेस को अगर आप प्रैक्टिकली सीखना चाहते हो तो यहाँ पे अगर आपके पास पर्सनल लैपटॉप है तो ये आपके बहुत काम आने वाला है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि आपके पास कंप्यूटर लैब्स भी होंगी, लेकिन लैपटॉप आपको पर्सनल इंडिपेंडेंस देता है अपने टाइम के हिसाब से कोड करने के लिए। नंबर 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जहाँ पे आपका लैपटॉप काम में आएगा वो है ऑनलाइन कॉम्पिटिशन, हैकाथॉन, वर्कशॉप्स। इनके लिए आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ऑनलाइन इवेंट्स के लिए पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर आप बीसीए के मिडल ऑफ द कोर्स में, एंड ऑफ द कोर्स में अच्छा कोडिंग करते हैं, अच्छा प्रोग्रामिंग करते हैं, तो इन सभी इवेंट्स में अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो लैपटॉप यहाँ पे आपकी बहुत हेल्प करेगा। 4th पॉइंट है जो पढ़ाई से थोड़ा सा हटके है, वो है फ्रीलैंसिंग या फिर ऑनलाइन अर्निंग। हो सकता है कि बीसीए की पढ़ाई के साथ आप कुछ पैसे भी कमाना चाहते हो, ऑनलाइन चीज़ें सीखना चाहते हो, तो आप ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हो, फ्रीलैंसिंग कर सकते हो। अपवर्क, फाइवर जैसी वेबसाइट्स हैं जहां पे आप प्रोजेक्ट्स ले सकते हो, कोड कर सकते हो, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से टेक्निकल स्किल्स पे, प्रोजेक्ट्स पे काम कर सकते हो, तो उस केस में भी लैपटॉप आपके बहुत काम आने वाला है। 5th बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सारी चीज़ें आप इसमें पढ़ाई की तो नहीं करोगे, कुछ चीज़ें आप मस्ती की भी करोगे, एंटरटेनमेंट की करोगे, गेम्स खेलोगे, यूट्यूब पे चीज़ें देखोगे, तो ऐसे इन चीज़ों में भी लैपटॉप आपके बहुत काम आने वाला है। तो यहाँ तक अगर आपको क्लियर हो गया है कि लैपटॉप आपके बीसीए जैसे कोर्स में कहाँ कहाँ काम आने वाला है, अब समझते हैं कि कौन सा लैपटॉप आपको लेना चाहिए। तो यहाँ मैं आपको नाम वाइज स्पेसिफिकली लैपटॉप नहीं बताऊंगा, यहाँ मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी वो स्पेसिफिकेशंस है जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए लैपटॉप लेने से पहले बीसीए जैसे कोर्स के लिए, ताकि ये जो आपका कंप्लीट कोर्स है ये अच्छे से हो पाए और जितने भी सब्जेक्ट्स हैं जहाँ पे लैपटॉप काम आने वाला है वो अच्छे से उसको परफॉर्म कर पाए। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि आपका जो लैपटॉप है उसका ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। तो यहाँ पे जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स कंप्यूटर एप्लीकेशन साइट जब आ रहे होते हैं तो वो न्यू होते हैं इस फील्ड के लिए, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम आपके लैपटॉप का होगा वो विंडोज हो, ना कि वो लिनक्स बेस्ड हो, क्योंकि जो विंडोज इंटरफेस होता है वो बहुत ही ईजी होता है, आसान होता है समझने के लिए नए बच्चों के लिए। तो इसलिए ध्यान रखें कि आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम हो वो विंडोज हो, विंडोज 10 से ऊपर ही हो। सेकंड बहुत ही इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है रैम, यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये एक बहुत ही मेजर रिक्वायरमेंट है, इसका आपको ध्यान में रखना है। रैम क्या होती है? रैम होती है वो मेमोरी, यानी कि जब आप लैपटॉप पे काम कर रहे हैं तो प्रोसेसर जो आपका डेटा यूज कर रहा है उसे शॉर्ट टर्म के लिए कहां पे स्टोर कर रहा है, तो वो होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो ये जो रैंडम एक्सेस मेमोरी है ये मिनिमम आपकी आज की डेट में 8 GB होनी चाहिए, तभी आप बहुत सारे टास्क को अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। 4 GB रैम में भी आप अपने एकेडमिक्स के बेसिक टास्क कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको कोडिंग करनी है, हैवी इंस्टॉलेशन है, तो वो 4 GB में परफॉर्म नहीं होगी, इसके लिए मिनिमम 8 GB चाहिए रहेगी। और अगर 8 GB से ऊपर का लैपटॉप आप ले सकते हैं तो और भी अच्छी बात है। 3rd नंबर पर आती है हार्ड डिस्क, यानी कि आपके जो लैपटॉप की हार्ड डिस्क है उसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो कितनी होनी चाहिए, वो कितनी फास्ट है। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो हार्ड डिस्क होती है वो 2 टाइप्स की आती हैं आज की डेट में, SSD जो कि थोड़े से पहला वर्जन है और SSD जो कि लेटेस्ट है। तो यहाँ पे मैं आपसे कहना चाहूँगा कि SSD जो होती है वो HDD के मुकाबले थोड़ी सी फास्ट होती है। तो HDD अगर आप लेते हैं तो यहाँ पे मिनिमम रिक्वायरमेंट 512 GB है, SSD अगर आपके लैपटॉप में है तो और अच्छी बात है क्योंकि ज़्यादा फास्ट होती है, तो मिनिमम ये 256 GB होनी चाहिए, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। 4
फोर्थ नंबर पे बात करते हैं कि आप जो लैपटॉप लेते हैं उसका प्रोसेसर कैसा होगा। तो यहाँ पे मैं आपको रिकमेंड करूंगा जो प्रोसेसर होगा वो i5 सिक्स जनरेशन से ऊपर का होना चाहिए, क्योंकि तभी आप स्मूथली अपने टूल्स, अपनी जो बाकी सारी चीजें हैं उन पे काम कर पाएंगे। i5 से नीचे जनरेशन का प्रोसेसर मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, तो इस चीज का भी आपको खास ख्याल रखना है, ये एक इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है। फिफ्थ इंपॉर्टेंट चीज है ग्राफिक्स कार्ड। ग्राफिक्स कार्ड लैपटॉप में दो टाइप के आते हैं, इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड और डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड। तो मैं यहाँ पर रिकमेंड करूंगा कि अगर आपकी मशीन में डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड है तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। अगर आप वीडियो एडिटिंग करते हैं, कोडिंग करते हैं या फिर ग्राफिक्स से रिलेटेड कोई चीज़ें करते हैं तो यहाँ पे ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। सिक्स इंपॉर्टेंट चीज़ है स्क्रीन साइज, यानी कि लैपटॉप की जो आपकी स्क्रीन है वो साइज़ कितना रहना चाहिए। आजकल हम देखते हैं कि बहुत कॉम्पैक्ट लैपटॉप भी आते हैं, बड़े लैपटॉप्स भी आते हैं, लेकिन अगर आप बीसी की कोर्स की पढ़ाई के हिसाब से देखें तो यहाँ पे मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप फुल साइज स्क्रीन के लैपटॉप्स लें, यानी कि 15 इंच से ऊपर के जो लैपटॉप्स आते हैं 15 इंच 15.5 इंच इनको लें, क्योंकि स्क्रीन साइज बड़ा होगा तो आप कोड अच्छे से कर पाएंगे, आप चीज़ों को अच्छे से देख पाएंगे, आपके आंखों में स्ट्रेस कम पड़ेगा। तो कोर्स के हिसाब से, पढ़ाई के हिसाब से बड़े स्क्रीन साइज के जो लैपटॉप्स हैं उन्हें मैं प्रेफर करूंगा। तो स्टूडेंट्स, अगर आपने ये सभी स्पेसिफिकेशंस नोट कर ली है तो इन स्पेसिफिकेशंस को ध्यान में रखते हुए आप डिफरेंट ब्रांड्स, डिफरेंट कंपनीज के लैपटॉप ले सकते हैं, जैसे कि डेल देख सकते हैं, लिनोवो देख सकते हैं, एसर देख सकते हैं, एचपी देख सकते हैं। बट सिर्फ इन स्पेसिफिकेशंस का ध्यान रखें कि इन सभी का मिक्सचर होना चाहिए, तो आपका बीसी का जो कोर्स है वो अच्छे से आपके इन स्पेसिफिकेशन वाले लैपटॉप के साथ निकल जाएगा। और यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि ये जो सभी स्पेसिफिकेशंस हैं, ऐसी स्पेसिफिकेशंस के लैपटॉप आज की डेट में आपको 40 से 60 हज़ार रुपये की रेंज में मिल जाएंगे। तो आप थोड़ा सा रिसर्च कर सकते हैं अपने एंड पे और ले सकते हैं जब आपका बजट, आपकी रिक्वायरमेंट अलाउ करती है। और हाँ, यहाँ पे मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगा कि अगर आप इनिशियल सेमेस्टर में, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर में लैपटॉप नहीं ले पाते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि उस टाइम खर्चा करना है, क्योंकि आपकी एडमिशन भी अभी हुई है, बहुत ज़्यादा पेरेंट्स पे बोझ नहीं डालना है। तो उस टाइम पे आप अपने जो कॉलेज की कंप्यूटर लैब्स हैं उनका फ़ायदा उठा सकते हैं, वहाँ पर चीज़ें सीख सकते हैं। एक बार जब चीज़ें सेटल हो जाएंगी तो आप फिर उसके बाद लैपटॉप परचेज कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं आपको कहना चाहूँगा कि ज़रूरी नहीं है कि आपको फर्स्ट हैंड ही लैपटॉप लेना है, अगर आपको बजट अलाउ नहीं करता है तो सेकेंड हैंड मार्केट्स भी होती हैं, वहाँ से आप सेकेंड हैंड लैपटॉप भी ले सकते हैं। या फिर अगर आपका कोई रूममेट है जो 3 साल आपके साथ रहने वाला है तो नया लैपटॉप आप शेयरिंग बेसिस पर ले सकते हैं, तो ऐसे आप चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये थी वो सभी डिटेल्स अगर आप लैपटॉप लेने का सोच रहे हैं बीसी जैसे कोर्स के लिए, तो इन सभी चीज़ों का ध्यान रखें लैपटॉप लेने से पहले। तो अगर आपको आज वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो जरूर से लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो हम बीसी फंडर्स बाय सनस्टोन पे जल्दी लेके आएंगे एक और ऐसा ही डाउट क्लियरिंग वीडियो। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखें, स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ एंड बिलीव इन यू।